एक गोविंद कुमार नाम के व्यक्ति जो शाहजहाँपुर ज़िले के रहने वाले हैं, उन जो डायरेक्टरेट लखनऊ से एक आदेश लेकर आए थे और उसमें बताया था कि उनकी वहाँ से नियुक्ति है, उसकी हम लोगों ने पुष्टि कराई, वहाँ से लिख कर आया। और चूँकि आज वो यहाँ आया था, अभी चार दिन या लगभग चार दिन के करीब हो गए वो उसने यहाँ अपनी ज्वाइनिंग के लिए दिया था, लेकिन आज जब वो मामला पूरा प्रकरण आया सामने तो वो फर्जी निकला है और उसके जो उसके विरुद्ध जो है विभागीय कार्रवाई और जो प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। फिर कहाँ है सर वो? इस समय थाना कोतवाली मथुरा के पास है वो इस समय, और हमारे विभाग द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस ने एक ऐसे फार्मासिस्ट को धर दबोचा है जो फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर मथुरा में ज्वाइनिंग करने के लिए आया हुआ था। वहीं पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए उसे थाने ले जाया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब मथुरा के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शासन को उसके कागजात सत्यापन करने के लिए भेजे गए थे। वहीं फर्जी कागजात वहां से साबित होने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हरकत में आया। वहीं हरकत में आने की वजह से फर्जी फार्मासिस्ट को कब्जे में लेकर उसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू की गई है। बताया गया है कि आरोपी शाहजहाँपुर का रहने वाला है और गोविंद नाम उसका बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। निर्मल राजपूत, एशिया नेट न्यूज, हिंदी, मथुरा।